नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज भी मैं हाजिर हूं आपके साथ क्या लेके, कैरेक्टरिस्टिक्स लेके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर फर्स्ट है बिजनेस स्टडीज का, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, अपन ने मीनिंग कॉन्सेप्ट वगैरह सारा डिस्कस कर लिया है, ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस कर लिया है। आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। आज 11 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं बोर्ड में, आपको दिख रहा होगा, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, अगर नोट डाउन करना है नोट डाउन करिए, नहीं तो सिर्फ सुनिए मुझे और इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब कि कुछ भी मैनेज करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के पास गोल होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज मैनेज करनी है तो पता होना चाहिए ना कि क्या मैनेज करना है। तो सबसे पहला टास्क है किसी भी मैनेजर का कि फाइंड आउट करे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, एम क्या है, ताकि उस चीज को अपन इफेक्टिवली मैनेज कर सके। मेकिंग सेंस? आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, मतलब हर जगह जिसकी नीड या इंपॉर्टेंस फेल्ट हो। बिल्कुल भाई, मैनेजमेंट है, हर जगह मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, इंडिया हो, बाहर हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, हर जगह मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज मैनेजमेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, इसलिए मैनेजमेंट को यूनिवर्सल कहा जाता है या परवेसिव कहा जाता है। पूरा क्लियर? आगे देखते हैं। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है कि भाई बहुत सारी चीजें हैं मैनेजमेंट में जो कि मैनेज करनी पड़ती है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क को मैनेज करना पड़ता है, काम को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, आपको किसको काम देना है, कैसे काम देना है, वो काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। देन कम्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना पड़ता है भाई। ठीक है, कि आपने काम तो दे दिया कि वो काम ठीक कर रहे या नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उनसे फीडबैक लेना, उनसे पता करना कि भाई सब कुछ काम ठीक चल रहा है या नहीं, लोगों को मैनेज करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होता है, देखो ये पॉइंट समझिए अच्छे से। ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस, जहां पर भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, रॉ मेटेरियल आता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट बाहर आता है। ठीक है, जो आउटपुट क्या हो गया आपका, फिनिश प्रोडक्ट हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया जो कि मार्केट में जाता है, और वही प्रोडक्ट है जो कि आपकी गुडविल या फेम को बढ़ाता है। ठीक है, तो उस चीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छे से बन गया तो आपकी सेल भी ज्यादा होगी, आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ये चीजें आती है मल्टी डायमेंशनल में। ठीक है, वर्क, पीपल और ऑपरेशंस। हो रहा है क्लियर? फोर्थ देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब जो चलता रहे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है जैसे ही एक गोल अचीव होता है ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरा गोल आ जाता है, वो अचीव, फिर एक और गोल आ जाता है, उसके लिए वापस से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना पड़ता है। ये सब क्या है, फंक्शंस हैं। ठीक है, कोई भी गोल सेट होता है उसके लिए फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे ही वो गोल अचीव हुआ, उसके बाद नया गोल, उसके लिए वापस से यही फंक्शंस। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस या नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कि मैनेज आपको हर स्टेजेस में करना पड़ता है। हो रहा है क्लियर? आगे देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है भाई, कि अपन को ग्रुप में ज्यादा फोकस करा जाता है, टीम वर्क में ज्यादा फोकस करा जाता है मैनेजमेंट में। वहां माना जाता है कि जब दो तीन लोग, चार पांच लोग में काम दिया जाता है तो सबकी नॉलेज, स्किल और टैलेंट लग के वो काम होता है, तो आउटपुट ज्यादा अच्छा आता है, फ्रेंडशिप डेवलप्ड होती है, कोऑपरेशन या हार्मनी डेवलप्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। ठीक है, तो आप दूसरों की मदद से या दूसरों की मदद लेके कैसे काम कराते हो, वही तो मैनेजमेंट है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी, इसलिए इसको ग्रुप एक्टिविटी कहा जाता है। फिर आता है मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है भाई, जानवर तो करते हैं नहीं। ठीक है, तो ह्यूमन ही करते हैं, ह्यूमन ही लोगों को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट वर्क का हो गया, पीपल का हो गया, ऑपरेशन का हो, ह्यूमन बींग ही सब कुछ कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ चैलेंजिंग एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, मैनेजमेंट चैलेंजिंग एक्टिविटी हर किसी के बस का नहीं है मैनेज करना। ठीक है, तो मैनेज करना जिसको आता है वो इफेक्टिव मैनेजर कहलाता है। ठीक है, इसलिए चैलेंजिंग है। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब कुछ ना कुछ नया सामने आना या नया लेके आना, इनोवेशन बोलते हैं अपन सिंपल भाषा में, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। अब भाई आपका जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट मार्केट में 10 लोग और बना रहे हैं, तो आपको अगर सर्वाइव करना है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना पड़ेगा या नई चीजें, इनोवेटिव चीजें लानी पड़ेगी मार्केट में, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी।
आगे बढ़ते हैं. मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. एक मैनेजर के लिए हर दिन उसको कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है, हर वे में या हर डे टू डे वर्किंग में उसको डिसाइड करना पड़ रहा है. कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग करनी है, क्या डिसाइड करना है, सब कुछ उसको डिसाइड करना पड़ रहा है डे टू डे वर्किंग में. दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. एक मैनेजर को हर वे में या हर दिन कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है, कैसे क्या चीजें करनी है, कैसे जो अपना गोल अपन ने सेट करा है वो कैसे अचीव होगा. तो दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. आगे बढ़ते हैं टेंथ में. मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक मतलब जो चेंज हो रहा है. ठीक है, डायनेमिक क्यों कहा गया है, क्योंकि जो एनवायरमेंट है अपना एक्सटर्नल एनवायरमेंट है. इंटरनल में तो फिर भी अपना कंट्रोल है, एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट है उस पर अपना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है. जहां पर कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, तो कस्टमर्स आते हैं मतलब कस्टमर की नेचर, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, दिनों दिन फैशन वगैरह ट्रेंड चेंज हो रहा है. ठीक है, तो मैनेजर को उस ट्रेंड के हिसाब से चेंजेस करने आने चाहिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने आने चाहिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इज अ मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. ठीक है, आपको स्ट्रेटेजीज अपने मेथड्स में बदलाव टाइम टू टाइम लाना पड़ेगा मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से. अगर आप स्टैटिक और फिक्स रहेंगे तो आपके बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो बंद हो जाएगा. ठीक है, तो क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. ठीक है, डायनेमिक फंक्शन है मतलब चेंजेस लाते रहने पड़ते हैं मैनेजमेंट में अगर आपको सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है. मेकिंग सेंस. आगे देखते हैं, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इंटेंजिबल बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, विच कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. तो यहां पर भी वही मतलब है कि मैनेजमेंट को अपन देख नहीं सकते लेकिन उसका रिजल्ट अपन महसूस कर सकते हैं. आप कॉरिडोर में जब भी घूमते हो, कोई क्लास बहुत शांत रहती है तो आप क्या कहते हैं, वो मैम बहुत अच्छा मैनेज करती है बच्चों को. ठीक है, तो यस सर, वो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं बच्चों को, इसलिए शोर बिल्कुल नहीं आ रहा, सब बच्चे पढ़ रहे हैं. क्या है, मैनेजमेंट हो रहा है या एक टीचर ने इफेक्टिवली क्लास को मैनेज कर रहा है. ठीक है, अगर आप स्टडी अच्छे से मैनेज करते हैं तो आपके रिजल्ट अच्छा आता है, नहीं करते हैं तो रिजल्ट बिगड़ जाता है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है, जब सब चीजें एक्टिविटीज अच्छे वे में चल रही है तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगी. ठीक है, तो अपन को पता लग जाएगा कि भाई मैनेजमेंट हो रहा है. अगर लॉसेस में जा रही है तो इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रही है रिसोर्सेस को. दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल फोर्स. पूरा क्लियर? तो अपन ने 11 कैरेक्टरिस्टिक्स सारे डिस्कस कर लिए. जो भी नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही अच्छे से एग्जांपल के थ्रू वापस समझाऊंगा. ठीक है, तो ये था आपका सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ. जय हिंद.